Hello students, today we are going to start math subject of class 6. If you are watching this video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue. So dear students, today we will start question number 7 of exercise 10.1 because we have completed 6 questions from this exercise and today we will start question number 7. So let's start. Question number 7 is using a ruler, यानी एक रूलर का प्रयोग करके, रूलर क्या होता है बच्चों, स्केल होता है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन इन द फिगर आर कॉलोनियर और नोड, यानी जांच कीजिए द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं की, गिवन इन द फिगर, जो फिगर में दिए गए हैं, जो आकृति में दिए गए हैं, आर कॉलोनियर और नोड, यानी ये कॉलोनियर है या नहीं, यानी एक ही लाइन पर स्थित है या नहीं, हमें ये बताना है। तो चलिए करते हैं बात। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो हमें बताना है क्या ये एक ही लाइन पर होंगे या नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है डी ए एंड सी, यानी डी ए एंड सी, तो आप देखें डी ए और सी, तो ये पॉइंट है हमारे डी ए और सी, डी ए सी, यानी ए सी डी ए वाले पॉइंट हो रहे हैं। तो क्या ये पॉइंट्स एक लाइन पर स्थित हो सकते हैं, क्या ये पॉइंट्स कॉलोनियर हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो सीधी नहीं आएगी, वही ये इस तरह से यहां आएगा, फिर ऐसे टर्न हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कॉलोनियर पॉइंट्स नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे नोट, ठीक है, यहां पर लिख देंगे नोट, इसके आंसर में नोट लिख देना, एन ओ टी नोट, नहीं, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे ए बी सी, ए बी एंड सी, तो देखें ए बी और सी, तो ए यहां पर है, बी यहां पर है, ए बी यहां पर है और सी यहां पर है, तो बच्चों ये भी क्या होगा, अगर हम लाइन खींचेंगे तो इस तरह से खींचेगी ना, ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, कॉलोनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, तो इसको भी हम लिखेंगे नोट, ठीक है, ये कॉलोनियर पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद देखेंगे थर्ड ए बी एंड ई, तो बच्चों ए बी और ई की बात चल रही है, तो ए बी ई, तो ये पॉइंट्स है बच्चों, अगर एक बार बताइए, अगर हम लाइन खींचे स्केल से, तो एक सीधी लाइन खींचेगी नहीं खींचेगी इस तरह से स्केल से, तो इसका मतलब ये है कि ए बी और ई, ये पॉइंट्स हमारे कॉलोनियर पॉइंट्स होंगे। तो यहां पर हम इनको राइट करेंगे कि ये क्या है, कॉलोनियर पॉइंट्स हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे यस, क्या लिख देंगे, यस यस लिख देंगे, इसका मतलब हाँ ये कॉलोनियर पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है बी सी एंड ई, तो बी सी एंड ई कहां पर है भाई, बी यहां पर है और सी यहां पर है और ई यहां पर है, तो बी सी ई क्या कॉलोनियर पॉइंट कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अगर हम इनसे लाइन खींचेंगे तो एक सीधी लाइन नहीं आएगी, ये तीनों पॉइंट सीधी लाइन पर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नोट, ठीक है, तो ये हमारा नोट। तो यहां पर हमने लिख दिया पहले का नोट है, दूसरे का नोट है, थर्ड का यस है और फोर्थ का नोट है, क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है गिव 3 एग्जाम्पल ईच ऑफ, यानी हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं प्रत्येक के, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, तो बच्चों हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बच्चों, तो हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं, तो चलिए बताते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट यहां पर हमें दिया है पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, हमें इसका क्या करने हैं, 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो बच्चे देखो यहां पर क्या होता है इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वह क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। जैसे यहां पर इसको काटा ओ बिंदु पर, ठीक है ना, ओ पॉइंट पर काटा, तो यानी एक एग्जाम्पल ये हो गया। और बच्चों आपने देखा होगा कि जो सीजर होती है, सीजर भी क्या होती है, वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन का उदाहरण है वो, ठीक है, तो यहां पर हम सीजर भी लिख सकते हैं या सीजर बना भी सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम सीजर बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या होती है, सीजर भी किसको शो करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करती है, ठीक है ना, किसको शो करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन को, ठीक, क्योंकि यहां पर क्या करती है, ये आपस में काटती है। बच्चों आपने देखा होगा प्लस का साइन, तो प्लस का साइन भी क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहां पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो यहां मैं इसको ओ नाम भी रख सकता हूं। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए हैं किसके, इंटरसेक्टिंग लाइन के। आगे बच्चों इसमें दिया है पैरेलल लाइंस फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, तो बच्चों यहां पर पैरेलल लाइन बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है, पैरेलल लाइन, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस,
हमें थ्री एग्जांपल्स बताने हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल हम दे दें, लाइन खींच कर दे सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों पहले लाइन क्या होती है, यानी जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है हर जगह, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी पैरेलल लाइन हो गई, पहला एग्जांपल हमने दे दिया लाइन खींच के। उसके बाद बच्चों आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी क्या होता है, पैरेलल लाइन का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर मैं रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दे सकता हूँ, सिंपली रेलवे ट्रैक भी लिख सकते हैं या बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया रेलवे ट्रैक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक भी किसको शो करता है, भाई पैरेलल लाइंस को शो करता है। उसके बाद बच्चों हम देख सकते हैं एग्जांपल एक स्केल का। बच्चों स्केल आप देखी होगी, स्केल आपने, तो स्केल भी क्या होता है, उसकी दोनों साइडें आपस में कैसी होती हैं, यानी जो ये वाली साइड होती है और ये वाली साइड होती है, इनका डिफरेंस कैसा होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं इसको बच्चों थोड़ा सा शो कर देता हूँ आपको, यानी यहाँ पर जीरो होगा, क्या होगा यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री। तो इस तरह से मैं इसको बना के दिखा भी रहा हूँ। तो इसकी जो दोनों साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्केल, स्केल का एग्जांपल भी हमने दे दिया है। तो यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द गिवन फिगर 10.16, यानी दी गई फिगर 10.16 से राइट कंजुरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कंजुरेंसी। तो बच्चों हमें कंजुरेंट लाइन लिखनी है और कंजुरेंसी के पॉइंट भी लिखने हैं। तो बच्चों जैसे कंजुरेंट लाइन क्या होती थी बच्चों, जो एक ही बिंदु से, यानी जो एक ही बिंदु पर होकर गुजरती हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कौन कौन सी लाइनें गुजर रही है, भाई एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, तीन लाइन तो जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, एल यानी आर क्यू और एल, यानी जो लाइन आर क्यू और एल है वो क्या है, वो कंजुरेंट लाइन है। किस पर, एट ए, ए पॉइंट पर है, ठीक है। तो जो ए पॉइंट होगा हमारा कंजुरेंट पॉइंट होगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बच्चों यहां पर देखेंगे वही बी लाइन और एम लाइन और पी लाइन, ठीक है ना। बी तो बच्चों पॉइंट हो गया, हाँ, तो ये हमारा पी लाइन हो गई है और क्यू लाइन हो गई और एम लाइन, तो ये भी हमारी क्या है, कंजुरेंट लाइन है, क्योंकि किस पर होकर जा रही है, बी से गुजर रही है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से बच्चों कितनी लाइनें गुजर रही हैं भाई, एक तो एम गुजर रही है और एक आर गुजर रही है, तो एम आर भी क्या है, सी पर क्या हो रही है, कंजुरेंट हो रही है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। तो बच्चों हम पहले राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, पहले पहले राइट करेंगे कि लाइन आर क्यू एंड Q एंड L, ठीक है ना। R क्या होंगी ये बच्चों, ये हमारे हो जाएंगे कंजुरेंट। तो यहां पर लिख देंगे, हम लिख रहा हूं मैं कंसुरेंट, कंसुरेंट एट A, यानी A पर कंसुरेंट है। उसके बाद बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं कि लाइन P M और Q, या लिख सकते हैं एंड लाइन Q P एंड M आर कंसुरेंट एट, किस पर है बच्चे, ये B पर कंसुरेंट है। उसके बाद हम लिख सकते हैं लाइन, उसके बाद कौन सी लाइन बची, लाइन एम और आर, या आर एंड एम आर कंसुरेंट एट सी, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमें दे देना है। बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया कि लाइन आर क्यू एंड एल, आर क्यू एंड एल कंजुरेंट है ए पर। और बच्चों मैंने फिर राइट किया है P, ये क्या हो गया Q, P और M क्या है, B पर कंजुरेंट है, और उसके बाद R और M किस पर, C पर कंजुरेंट है। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। तो इसी के साथ बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 9 हमने फिनिश कर लिया है एक्सरसाइज 10.1 का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, कंटिन्यू योर वर्क।